आज उमाकांत पूर्व सांसद और 6 अन्य उनके सहयोगियों के ऊपर कुल 11 धाराओं में जो है सजा सुनिश्चित की गई थी। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई होने के उपरांत उमाकांत को आजीवन कारावास 302 में और 307 में 10 वर्ष और अन्य धाराओं में 2 वर्ष 3 वर्ष कुल मिला के आजीवन कारावास और 5,00,000 जुर्माना लगाया गया है और अन्य जो है उनके 6 साथियों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। ये 5,00,000 राशि किसको दी जाएगी? ये जो है आधी धनराशि मृतक के परिजनों को जाएगी। 307 में क्या हुआ? 307 में 10 साल की सजा हुई है, उसमें जो भी उसके जो घायल थे उनको भी सब जो है धनराशि दी जाएगी। 10 साल की सश्रम सजा है कि खाली सजा है? जी सश्रम सजा है, साथ साथ सारे सजाएं चलेगी। 307 में 10 साल है और भी धाराएं हैं जिसमें 1 साल है 2 साल है, कुल 11 धाराएं लगाई गई थी। मूलतः 302 था, 307 था, 302 में आजीवन है तो सारी धाराएं चार सजाएं साथ चलेंगी तो एक साथ मर्ज कर जाएगी। 5,00,000 की जो धनराशि है मिलेगी तो आधी धनराशि किसे दी जाएगी? ये धनराशि जो है आधी धनराशि जो मृतक है उसके परिजनों को। लाल बहादुर पाल ऋषि के मिल जाए। आदेश जो है बांध में पेश का है अदालत का और इतनी भीड़ भाड़ थी कोर्ट में, आदेश का अध्ययन नहीं हो पाया है तो आदेश का अध्ययन करने के बाद ही बताया जा सकेगा कि अदालत ने किस किस बिंदु पर विशेष टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया। एमपी एमएलए कोर्ट में किस तरह का मामला? ये एमपी एमएलए कोर्ट में मेरी जानकारी में तो जौनपुर का तो पहला ही मामला है, लेकिन कहीं भी मेरी जानकारी में ये किसी भी सांसद या पूर्व विधायक आजीवन कारावास की ये पहली है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में मेरी जानकारी। अपना परिचय? मैं लाल बहादुर पाल एडीसी के अंदर मैं एमपी एमएलए कोर्ट देखता हूँ। निकालना वही निकालेंगे। आगे